हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट एग्जाम अभी तक फर्स्ट सीट में दे चुके हैं या आने वाले शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट देने वाले हैं, आज के डेट यानी 11 तारीख को और 12 तारीख को जो भी कैंडिडेट देने वाले हैं, सभी के लिए खुशखबरी ये है कि आपको मैं जैसा कि हमेशा बताया था कि जो 5 तारीख को एग्जाम हुआ था, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्लास नोट से मिले थे, जो ये सब सारा क्लास नोट जो आप लोग करवाया गया है, इस क्लास नोट से आपको क्वेश्चन दिखने को मिला था एग्जामों में, 5 तारीख के एग्जाम में सभी शिफ्टों में। सेम उसी तरीका से आज 11 तारीख को अभी फर्स्ट शिफ्ट हुआ है, उसके बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्लास नोट से छपा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये होता है जज्बा, ये होता है जुनून, जो आप लोगों के लिए लगातार मेहनत किया गया था, लगातार 3-4 महीना से जो रेगुलर क्लासेस किए थे, रेगुलर एप्लीकेशन से थियोरी का क्लासेस रेगुलर किए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक है ना। मैं अभी आपके सामने जो स्टूडेंट्स एग्जाम देकर के आए हैं, उनका रिव्यू भी अभी आपके सामने फोन कॉल पे रिकॉर्ड में किया हूँ, उसको मैं भी सुनाने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं पीडीएफ नोट से आपको हूँ वो क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूंगा कि जो आगे आने वाले शिफ्ट या फिर कल जो एग्जाम देने वाले, 12 तारीख को जो एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं हमेशा 5 तारीख को ही बताया था, उसके बाद भी बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स को थ्योरी को रिवीजन करना, थ्योरी पीडीएफ को रिवीजन करना है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये जो बीटीएससी बोर्ड है, इस बार सिलेबस तो 6 बुक का सिलेबस दिया, पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट ढंग से किए थे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो बोर्ड है, जो ज्यादातर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जैसे देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाला जो चैप्टर है, प्राइमरी हेल्थ के वाला है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, यानी होम विजिट टेक्निक, दाई नर्स, आशा वर्कर, जो है ना आंगनबाड़ी वर्कर, सेविका सहायिका के साथ मिलकर के जैसे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे प्रोवाइड कराते हैं, क्रियान्वयन देते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है ना, ज्यादा पूछ रहा है। मैं अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स का रिव्यू आपको, जो फोन कॉल पे मैंने बात किया था, अभी जस्ट कॉल की थी, ये स्टूडेंट्स का नाम है शारदा कुमारी, रोहतास जिला से, ठीक है ना, उनका मैं जो है ना रिकॉर्डिंग अभी सुनाने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं सभी क्वेश्चन का लगभग प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ। देखिए सभी क्वेश्चन का प्रूफ आपको नोट्स से सारा मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने आगे आने वाले शिफ्ट में जो जो एग्जाम देने वाले हैं, आपको थ्योरी का पीडीएफ, थ्योरी का नोट्स जो दिया गया है, ढंग से रिविजन करके जाइए। रिविजन करके आपको 10 से 15 क्वेश्चन कॉमन सेंस से, आपके कॉमन सेंस के बिहाफ से, नर्सिंग के उसके बिहाफ से भी बनाना पड़ेगा। मिडवाइफरी से क्वेश्चन थोड़ा कम कर रहा है आपको, हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, समुदाय से रिलेटेड, होम विजिट टेक्निक, इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना। तो वैसे तो सारा कंप्लीट कर लिए, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि 5 तारीख में उसमें से ज्यादा क्वेश्चन था। देखिए अभी मैं थोड़ा सा भी आपके सामने सुना रहा हूँ, ये सुनिए, उसके बाद मैं आपको सारा प्रूफ, में देखिए सारा क्वेश्चन का प्रूफ अभी लेकर के आया हूँ, ठीक है ना, क्लास नोट्स के पीडीएफ से सारा क्वेश्चन का प्रूफ लेकर के आया हूँ, वो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है ना स्टूडेंट्स जो कॉल किए हैं, उनका एक बार रिव्यू मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आई थिंक आवाज जाएगा आपके पास। कितना कर पाए? 10 से 100 किए, क्योंकि हमको लग रहा है कि अगर नेगेटिव कितना भी जाता तो कर दिए, क्योंकि हमको जब एग्जाम दे रहे थे तो पॉजिटिव वाइब्स था, तो हम 100 कर दिए। लेकिन पता है सर, बोर्ड ने बहुत ही किया है कि एकदम सिर्फ कम्युनिटी 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 में भी किस टाइप्स का, तो कम्युनिटी में भी उसको पूछना चाहिए, अगर कोई नीति है, कोई स्की है, ये सब कुछ नहीं। सर ये था कि अगर होम विजिट के लिए जा रही है तो ऐसी स्थिति हो गया, उपकरण के रख रखाव, बस इसी से रिलेटेड खाली दिया था, कंफ्यूजन करने वाला। ये टेक्निक उपकरण वाला जो करवाए थे, मतलब उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लंबा लंबा करके दे दे रहा है। हाँ, लंबा लंबा करके दिया था, तो उसको तुम लोग अटेंड कर दिए जितना पढ़ाए थे। देखिए ये स्टूडेंट से जो है ना 90+ अटेम्प्ट की है, 100 के आसपास अटेम्प्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि आपको भी 100 अटेम्प्ट करना है। हाँ, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, रेगुलर मेहनत कर रही थी, थ्योरी का सारा कंप्लीट कर रखी थी, इस वजह से 100 अटेम्प्ट की है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, होम विजिट टेक्निक, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी और सुनिए उसके बाद। बनाना होता है आपको बता दे,
15 से 16 कॉमन सेंस वाला था। 15 से 16 यानी 15-16 क्वेश्चन लगभग कॉमन सेंस, मतलब मैं हमेशा बोलता रहा हूँ 10 से 12 क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ये टॉपिक है आपका। इतना डीपली अच्छा पढ़ाए हैं, उनका इतना विवेक नहीं लिया इसमें से, उम्मीद रहती हूँ हम लोग सर इतना विवेक सर इतना डीपली और अच्छा पढ़ाए हैं, उनका ये सबसे कुछ नहीं उठा के दो चार को दिया यही कि पेल्विस के कितने बोन्स होते हैं। देखिए सारा पेल्विस वगैरह करवाया गया पिछली क्लास में, पहले भी करवाया गया सर, स्क्रीनशॉट भी देंगे ये प्रसव के लिए कौन सा था, गायनोनिक गायनोट हम लोग मारे और जो एक ये दिया जाता है नहीं सिर्फ ये दिया कि प्रसव के लिए कौन सा गायनोट है ये पेल्विस। एक मैसेज कोई मैसेज कर रही है कि शायद प्रसव के बाद ऑक्सीटॉक्सिन, हाँ ऑक्सीटॉक्सिन वाला, देखिए ऑक्सीटॉक्सिन सारा नोट्स आपके पीडीएफ में, पीडीएफ में हमेशा बोलता हूँ पढ़ के जाइए पढ़ के जाइए। ऑक्सीटॉक्सिन देने का मतलब प्राथमिकता क्या है, एक दिया था दूध स्राव के लिए, दूसरा दिया था कि रक्त स्राव के बंद करने के लिए और ऑप्शन कुछ अभी कॉल की थी इसका मैं कॉल को रिकॉर्ड कर लिया था इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बोल रही थी लिख नहीं रहे थे तो सोचा मैं रिकॉर्ड कर लूं, जब वीडियो बना रहे थे आपको लाइव दिखा देता हूँ। तुरंत बाद लिखा एकदम कि प्रसव के तुरंत बाद देने के रक्तस्राव के लिए भी तो ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तरह के तो स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते लोग ना कितना 60-14 बहुत ही पढ़ने में टेस्ट चीरे लग। देखिए मैं आपको हमेशा बताया हूँ जो आपको टेस्ट वगैरह जो देना है ना, ये टेस्ट में क्या था आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको 100 क्वेश्चन जो है 120 मिनट में बनाने का कैपेसिटी होना चाहिए, 100 के 100 क्वेश्चन तक पहुंचने का कैपेसिटी होना चाहिए, इसीलिए टेस्ट सब लोग लगा रहे थे लगभग 2,500-3,000 के आसपास लोग, ठीक है ना, तो टेस्ट भी बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है। 85 मारते मारते सिस्टम ऑफ, तो वही चीज के लिए टेस्ट देना जरूरी है ना, जो टाइम मैनेजमेंट को करना है। लेकिन हम लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया, आप जिस बेसिस से पढ़ाए थे ना उस बेसिस से हम लोग को लगा कि इस बार नहीं, ये हम मतलब देने के बाद एक संतुष्टि वाला फील हुआ कि हम लोग जितना दिए अच्छा अटेम्प्ट गया है। मेहनत आप लोग के लिए प्रतिक्रिया था वो सक्सेस रहा ना? हाँ सक्सेस रहा, अब अकॉर्डिंग रह गया कि स्टूडेंट कितना अपने आप को ऑब्जर्व किए। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब ही यही होता है। देखिए वही चीज है ना, आप पढ़ाई टीचर का काम क्या, आपको पढ़ाई करवाना और आपका काम उस चीज पढ़ाया हुआ चीज को कंप्लीट करना, तो आपको मेहनत जितना किया गया उतना कंप्लीट करके गए, हमेशा बोल लेते हैं जितना पढ़ाया गया उतना कंप्लीट करके आप चले जाइएगा, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं दूर कर सकता, सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्लास नोट से सारा आया है, और पिछले 5 तारीख को भी आया था जिसका प्रूफ मैंने दिया था, आज भी मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी क्वेश्चन क्लास नोट से आ रहे हैं, ठीक है लेकिन वो ना कुछ कुछ चीजें देना चाहिए था जो और अदर जो सिलेबस है कुछ देना चाहिए था इसके, लेकिन नहीं दिया, फिर हम लोग के लिए तो ये था कि हम लोग पढ़े इस चीज को डीपली से तो बहुत अच्छा गया। अब पता है सर और क्या था कि हम लोग जिस लैब में थे हम लोग का लैब में सबका एक साथ सिस्टम ऑफ हुआ, टाइमिंग सब लोग निकलने लगे, एक कैंडिडेट थी जो सबसे लास्ट में थी उसका अभी टाइमिंग और उसका ई भी चल रहा था, क्या कहा एग्जाम भी चल रहा था, बहुत सारी लड़कियां ये करने लगी कि भाई इसको काहे स्पेशल दिया गया है, स्पेशल काहे दिया गया है, इसका टाइमिंग काहे दिखा रहा है। देखिए मैं आपको हमेशा बताया हूँ ऑनलाइन एग्जाम है, जो हैंडीकैप्ड होते फिजिकली हैंडीकैप्ड उन लोग को एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, किसी का सिस्टम वगैरह इशू हो जाता है प्रॉब्लम हो जाता है उन लोगों के लिए कुछ सोचा जाता है, लेकिन अगर कोई अदर आपके एग्जाम देने के बाद भी जो फिजिकली हैंडीकैप नहीं है उसका टेक्निकल इशू नहीं हुआ अगर वो एग्जाम दे रहा है तो समझिए कि फ्रॉड वाला केस है, तो उसके प्रति आवाज उठाना आपको चाहिए, ठीक है ना, आवाज उठाना चाहिए। वो लोग बोले कि उसका सिस्टम खराब हो गया था इसलिए उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, हम लोग लास्ट में था तो उस एक फ्लोर पे भी हुआ दूसरा फ्लोर पे भी था एक यही सिस्टम था, वो लोग भी पूरा तो मैसेज कीजिए ना मैं कुछ बताता हूँ अभी लाइव, और कुछ क्वेश्चन याद हो तो मैसेज कीजिए ना मैं कुछ बताता हूँ अभी लाइव, ठीक है सर माइंड चेक पे करते हैं कुछ जो ऐसा क्वेश्चन हो, एक इंजेक्शन से भी आया था ऑनलाइन एग्जाम में स्टेटमेंट बेस लंबा रहता है तो याद नहीं रहता है। हाँ लेकिन कुछ ऐसी चीजें थे जो याद था, हम एक दो क्वेश्चन हम आपको सेंड किए जस्ट थोड़ा पहले मेरा ही था। हाँ, अच्छा ये जो लास्ट में 6-8
हाँ 6 to 8, हाँ मेरा ही था जो 2 से 3 बताए, जो अभी रिसेंटली एकदम दिमाग में चल रहा था। जो समुदाय से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मतलब किस टाइप का, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो होम जो टेक्निक है वहां पे जाकर आशा लोग मिलकर के, आशा लोग के साथ में जहाँ आंगनबाड़ी के मिलकर वहां कैसे करते, क्या ट्रीटमेंट करते, ये सब। हाँ इसे दिया था ना, एक दिया था कि दाई दाई के प्रशिक्षण के लिए कौन कौन शिक्षा, मतलब किस टाइप की शिक्षा देगी। एक दिया था कि परिवार नियोजन के लिए कौन सी शिक्षा दिया जाएगा, फिर अच्छा इसी तरह के मैंने स्टेटमेंट मुझे था। याद है ना, व्हाट्सएप कीजिए तो, ठीक ठीक है सर, ठीक। है। देखिए इसका मतलब सीधी सी बात हो गया कि आपको जितना नोट्स में करवाया गया है बस उतना कंप्लीट करके एग्जाम में चले जाना है। हाँ नो डाउट, हम लोग जो एक्सपेक्ट किए हुए थे कि मिडवाइफरी से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ये बीटीएससी कुछ अलग ही रंग रूप ला रखा है। मिडवाइफरी से क्वेश्चन कम कर दिया है, और जो जितने भी ये सब नर्सिंग वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, ये सब कितना बार बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको करवाया गया है, कितना बार करवाया गया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जो है ना पूछा है, ठीक है ना। देखिए जो है ना ये सब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो जनरली फील्ड से रिलेटेड, आपका काम क्या है, या तो हेल्थ विभाग में काम आपको जो जो पीएससी या फिर सीएससी होता है वहां पे आपको काम करना होता है, जो आपका स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां, या फिर आपको होम विजिट करके काम करना होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा कर रहा है इसने, ठीक है ना, उससे रिलेटेड। जैसे आशा लोग मिल करके, या फिर जो दाई होते हैं, या फिर जो आंगनबाड़ी होते हैं उन लोगों के साथ मिल करके गांव में कैसे स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराना, हर एक चीज डिटेल्स करवाया गया, ठीक है ना। देखिए अपगवार स्कोर से भी क्वेश्चन पूछा था, अपगवार स्कोर जो है ना कितना टाइम में किया जाता है, 1 से 5 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, हर एक चीज करवाया गया। देखिए अब मैं प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ, सब स्टूडेंट जैसे जैसे सेंड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जाइएगा तो पेल्विस का बारे में, जो टाइप ऑफ पेल्विस है, देखिए पूरा टाइप्स ऑफ पेल्विस के बारे में एक चीज मैं बता दूं, जो एग्जाम आगे आने वाले देने वाले सभी लोग ये देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि 5 तारीख को ही पेल्विस से क्वेश्चन पूछा था, आज भी फर्स्ट शिफ्ट पे पेल्विस से क्वेश्चन पूछ दिया, शायद ये क्वेश्चन पेल्विस से क्या पूछा था, टाइप्स ऑफ पेल्विस पूछा था या क्या पूछा था, देख लीजिएगा पूरा डिटेल से पेल्विस आपको करवाया गया है, ठीक है ना, पूरा डिटेल्स में पेल्विस करवाया गया, कितना टाइप्स होता है, कैसे काम करता है, कौन उसमें ज्वाइंट हड्डी होती है, हर एक चीज आपको करवाया गया है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पेल्विस में देखिए ये जो है ना गाइनियोसिड, एंथ्रोपॉयड, एंड्रॉयड, ये सब जो है ना प्लेटोलॉयड, ये सब जितना है जो पूरा डिटेल्स में करवाया गया है, तो देखिए सेम टू सेम हूबहू यहां से क्वेश्चन, ये पीडीएफ से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए हाँ अगला जो क्वेश्चन था वो ऑक्सीटॉक्सिन से था, ऑक्सीटॉक्सिन से क्वेश्चन था कि क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था जो आप फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे, देख लीजिएगा। तो ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में पूरा यहाँ पर दिया गया, ऑक्सीटॉक्सिन क्यों दिया जाता है, गर्भाशय को संकुचन उत्पन्न करने के लिए इसे प्रयोग करते हैं, या फिर जो है ना दूध वगैरह जो है ना उसको प्रवाह को तेज करने के लिए सब जो दिया जाता है, पूरे डिटेल्स में ये ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में पूरा करवाया गया है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन था टीकाकरण के बारे में, आईएम जो है इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस जो है ना ओरल, ठीक है ना, ये सब के बारे में पूरा डिटेल्स करवाया गया। देखिए इंट्रामस्कुलर में कौन सा, हेपेटाइटिस हो गया, डीपीटी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये सब टीका दिया जाता है, पूरा डिटेल्स में ये सारा चीज करवाया गया, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। देखिए 3 से 9 ईयर के बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता है, हर एक चीज जितना भी पोषक तत्व तो मिनरल तत्व तो है, हर एक चीज आपको एप्लीकेशन में सब डिटेल्स में करवाया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर वही चीज है, इंट्रामस्कुलर के बारे में पूरा डिटेल्स में करवाया गया, जो दिया गया है, हैजा, हैजा के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा था, जीवाणु से होने वाला, ठीक है ना, पूरा डिटेल्स में हैजा के बारे में, हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये लक्षण डिप्थीरिया हो गया, उसका उपाय क्या है, लक्षण क्या है, हर एक चीज डिटेल्स इसमें डाला गया है, ठीक है ना, सारा नोट्स में, ठीक है। तो आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन जो पूछ रहा है ज्यादा स्टेटमेंट ज्यादा लॉन्ग करके पूछ रहा है, तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है, उसके भी आप आंसर देना है, ठीक है ना। किस उम्र में आयरन की आवश्यकता अधिक होती है, ये सब कितना बार करवाया, आयरन फॉलिक एसिड की गोली जो महिला होती है जनरल से 300 किलो कैलोरी ज्यादा दिया जाना होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उन लोगों को, कितना बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाया गया है। अपगार स्कोर के बारे में देखिए, अपगार स्कोर कितना बार आप लोग करवाया गया, पिछला बार में भी अपगार स्कोर से क्वेश्चन पूछा था, आपको ध्यान देना, मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे निर्धारित गतिविधियों को पूरा करने, उपकेंद्र स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्था, आवश्यक स्टॉक बनाना, ज्ञान कौशल,
ठीक है ना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मार्गदर्शन, आशा कार्यकर्ता, स्वैच्छिक, ये सब जो है ना, रिकॉर्ड, रिपोर्ट, हेल्थ केयर, ये सब ढंग से इसको रिवीजन करके आने वाले शिफ्ट में, फिर से बता रहा हूँ, सबको पीडीएफ को फिर से रिवीजन कर करके, आराम से ऑलरेडी कर चुके होंगे, आपको रिवीजन कर लेना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है ना, नीति हो गया, अवधारणा हो गया, समुदाय के भ्रमण, समुदाय में गृह टेक्निक अवधारणा हो गया, ठीक है ना, गृह टेक्निक की प्रथा क्यों जरूरी है, कैसे किया जाता है, कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीका से वहां पे जोड़ दिया जाता है, परामर्श कैसे, उद्देश्य, सिद्धांत, हर एक ये सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब ये थ्योरी पढ़े हुए रहिएगा तभी आप क्वेश्चन को बना पाइएगा, या फिर जो क्वेश्चन माइंड से बनाने वाला होता है, जब थ्योरी पढ़े रहिएगा, वीडियो थ्योरी का देखे रहिएगा, तभी आप बना पाइएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से पूछ रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन। आपका स्कोर शायद मिडवाइफरी में करवाए थे, विवेक सर या क्याची में, आप लोग जो रेगुलर होंगे वहां पे देखे होंगे क्लासेज में, तो ये मिडवाइफरी में जाकर देखते हैं, मिडवाइफरी में आपका करवाए थे क्या, देख सकते हैं। बच्चों में पोषण का महत्व से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसे पूरा डिटेल्स में बताया गया है, महिला के लिए कितना जरूरी है, पूरा मिडवाइफरी भी करवाया है, हम भी करवाए हैं, विवेक सर भी करवाए हैं, पोषण तत्व, तो आयरन की गोली क्यों जरूरी होता है महिला लोगों को, किस उम्र में दिया जाता है आयरन की गोली, किस उम्र में प्रोटीन किस कब दिया जाता है, क्यों जरूरी होता है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन अफगार स्कोर से पूछा था, मिडवाइफरी क्लास नंबर, जाइए कहाँ पे, क्लास नंबर 9 में जाइए, क्लास नंबर 9 में जाइएगा तो सबसे नीचे जो है ना, यहाँ पर देखिए अपगार स्कोर के बारे में पूरा डिटेल से क्वेश्चन दिया गया है, बताया गया अपगार स्कोर के बारे में, ठीक है ना। अपगार स्कोर के बारे में देखिए, यहाँ स्टार मार्क भी किया गया है, ठीक है ना, आफ्टर 1 मिनट के बाद भी किया जाता है, 5 मिनट के बाद भी किया जाता है, 15 मिनट के बाद भी किया जाता है, सबसे बेस्ट 5 मिनट के बाद होता है, देखिए स्टार मार्क भी किया गया है, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है ना सारा एप्लीकेशन नोट्स मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपको जाना पड़ेगा, जब स्टडी इन डेटा का नोट्स में जब जाइएगा, स्टडी इन डेटा का जब नोट्स में जाइएगा, तो नोट्स में जाने के बाद देखिएगा, नोट्स में जब जाइएगा ना, तो क्लासेज नोट्स में, तो क्लासेज नोट्स में जाने के बाद देखिएगा, यहाँ पर है एक फोल्डर बना हुआ था एएनएम टेक्निकल क्वेश्चन का, टेक्निकल क्वेश्चन में जब जाइएगा तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में जब जाइएगा, इंट्रोडक्शन में नहीं, इंट्रोडक्शन में नहीं, जब टेक्निकल क्वेश्चन में जाइएगा ना, तो यहाँ पर आपको सेल में जाना पड़ेगा, सेल में, हाँ सेल में पहले क्लासेज में जाइएगा, तो नीचे जाने के बाद, नीचे जाने के बाद सेल मेम्ब्रेन, कोशिका हो गया, राइबोजोम हो गया, राइबोजोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा खोज किसने किया है, अल्टमैन ने, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया, इसको जो है ना एटीपी के बारे में पूरा बताया गया है, ऑक्सी श्रवण होता है, क्रेव चक्र चलता है, पूरा डिटेल्स में इसका हर एक चीज करवाया गया है। जितना देखिए क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स को पूरा याद नहीं रहता है, बट जितना क्वेश्चन भेजे हैं अब तक, जितना क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बताए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स से सहारा मिल गया है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स से सहारा मिल गया है, ठीक है ना। अगर 100 में 100 क्वेश्चन भेजते तो 100 के 100 क्वेश्चन आपको क्लास नोट्स से, मैं एक दो क्वेश्चन छोड़ करके, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहता है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स से मैं सारा के सारा दिखा दूंगा, ठीक है ना। जो पढ़ाया गया है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स क्लासेज कर रहे हैं, जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, थ्योरी कंटिन्यू क्लासेज, देखिए पीडीएफ लास्ट में पढ़ने का मैं सजेशन देता हूँ, जो क्योंकि क्लास में बहुत चीज जो है ना समझाया जाता है, बोला जाता है, जो कि हर चीज लिखाया नहीं जाता, जो रेगुलर क्लासेज और वीडियो देखे हैं उन लोगों के लिए ये एग्जाम सबसे आसान है इस, और जो है ना सबसे आसान है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है ना। उतना समय नहीं कि पूरा डिटेल्स में सब ऑब्जेक्टिव खोज खोज के दिखाऊं आपके सामने, बट जितना लोग सेंड किए हैं उतना सारा के सारा आपके नोट्स में है। मैं उम्मीद करता हूं जितने एग्जाम दिए हैं, गर्दा मचा करके आए हैं, बहुत ही बेस्ट स्कोर आएगा, बेस्ट रिजल्ट आएगा, बेस्ट तरीका से एग्जाम अगर अटेम्प्ट अच्छा किए हैं तो। हाँ एक चीज मैं आपको बता देना, जितना आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं आपको सतर्क रहना है, ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट, देखिए एक स्टूडेंट जिसका कॉल आया था ये जो है ना अटेम्प्ट ज्यादा की, क्योंकि रेगुलर क्लासेस कर रही थी कंटिन्यूटी के साथ में, ठीक है ना। तो आपको कोशिश ये करना है 70 से 80, 60 से 70, 50 से 60 क्वेश्चन से ज्यादा हमको सही होना चाहिए, अटेम्प्ट आप 80-90 तक कर सकते हैं, नो डाउट, अपने नेगेटिव के हिसाब से, नेगेटिव ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि नेगेटिव लीजिएगा तो नेगेटिव मार्किंग भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा आपको अटेम्प्ट पे ध्यान नहीं देना है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक
ठीक है ना, आपको मिनिमम 50 से 60 सही होना चाहिए काट छाट के, रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी रिजल्ट के बारे में कट ऑफ, जब एग्जाम फाइनल हो जाएगा कल पूरा शिफ्ट का, उसके बाद एनालिसिस आपके सामने करूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन, और फिर से जितने शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं सभी आपको ये सब जो है ना थ्योरी जितना करवाया गया है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। मैक्सिमम आपको हु बहुत सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन आपके एग्जामों में ऐसे आए हैं, क्वेश्चन जो आपको सिलेबस में पढ़ाया गया है आपको अप्लीकेशन में उसमें से आ रहे हैं, ठीक है ना। और आपको ध्यान देना है कि जितने भी मिडवाइफरी का जो चैप्टर ये जो है ना कम्युनिटी हेल्थ वाला जो चैप्टर करवाया गया, समुदाय वाला, ग्री भ्रमण टेक्निक जो है ना, रजिस्टर वाला, हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर, दाई, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, ऐसे से रिलेटेड जितने भी टॉपिक करवाए गए हैं उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि BTSC जो है ना ज्यादा उस पर फोकस कर रहा है, ठीक है। बाकी आपको सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया, मिडवाइफरी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है, नो डाउट, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद करता हूं कि बेहतर आप लोग का एग्जाम गया होगा और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर एग्जाम जाएगा, क्योंकि जिस तरीका से मेहनत किए हैं तो, ठीक है ना। और बाकी और भी क्वेश्चन जैसे जैसे स्टूडेंट सेंड करेंगे, जो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद 85 44 61 53 52 पे क्वेश्चन लिख करके प्रॉपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है ना। जितने एग्जाम दीजिएगा 85 44 61 53 52 नंबर पे, ठीक है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो उम्मीद करूं मैं, मेरे पास क्वेश्चन की संख्या अगर अच्छा खासा सेंड कर देते हैं तो उसका सोल्यूशन मैं आपको सामने भी बता दूंगा, अगर स्टूडेंट की संख्या अगर ज्यादा सेंड करते हैं क्वेश्चन तो। बाकी बेस्ट ऑफ लक, गर्दा मचाइए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा जो है ना नहीं लेना है, बट अटेम्प्ट सही करना है एक्यूरेसी के साथ में, और ढंग से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।